तो वहीं सीहोर के आष्टा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय रतन सिंह ठाकुर की तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद रहे। सभी ने स्वर्गीय रतन सिंह ठाकुर को कांग्रेस का एक सिपाही बताया और उनके किए कामों को याद किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में उनके काम को हमेशा याद किया जाएगा। मतगणना चल रही थी उसी दिन रतन सिंह जी का दुखद देहांत हुआ और इस परिवार से हमारा एक जीवित रिश्ता था। मुझे इस बात का दुख है कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन रतन सिंह जी के बारे में सब लोगों ने यहाँ बहुत ही विशेष विशेष बातें हम सबको बताएं। राम नेताजी सब लोग कहते थे, साथियों बहुत काम करने का मौका मिला, खूब किया हम लोगों ने रतन दादा और हमने कैलाश पर। हमारे मित्र थे, साथी थे, सहकारी क्षेत्र सहकारिता क्षेत्र में काफी काम किया और लगभग हमारे 35-40 साल के पुराने पारिवारिक संबंध के साथ रहे। तो भाग्य से जिस दिन हमारी काउंटिंग हो रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसके बेहद बेहद लगनशील निष्ठा और कर्मठ कांग्रेस के थे।